कुछ देर में पहुंचने वाले हैं जी। ठीक है, वासु भी लगातार जुड़े हुए। वासु, आप बातचीत करने की कोशिश। ठीक है, राजनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर विश्वास और मजबूत हुआ है और कहीं ना कहीं कांग्रेस राजनांदगांव लोकसभा में कमजोर नजर आ रही है जी। भूपेश बघेल लगातार काफी दौरे किए थे, अब वो पूर्व सीएम भी हैं। इसका एक दहाई दौरा भी अगर उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में किया होता तो शायद थोड़ा बहुत लाभ उनको मिल सकता था, लेकिन जिस तरह की उपेक्षा उन्होंने कवर्धा जिला हो या राजनांदगांव जिला हो उसकी की, और जैसी राजनीतिक परिस्थितियां आप स्वयं जानते हैं कवर्धा जिले में और नांदगांव जिले में बनी, कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी उनको इस चुनाव में देखने को मिलेगा। सर, आप इससे पहले भी जब सांसद रहे और अभी का चुनाव, दोनों चुनाव में अंतर क्या देखते हैं और बीजेपी के लिए प्लस क्या है? देखिए, मैं 2014 में मैंने चुनाव लड़ा था, उस समय कांग्रेस की सरकार का बदलाव का चरण था और इस बार तो हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं उसके आधार पर जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है। तो आपने सुना विजय अभिषेक सिंह जी को और विजय शर्मा जी भी कुछ देर बाद तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, बीडी शर्मा जो कि पूजा करते हुए नजर आ रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं। पूजा के बाद वो अब वोटिंग के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले जब वो पहुंचे थे मंदिर, प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर में जब वो पहुंचे थे तो यहाँ पर उन्होंने आशीर्वाद लिया भगवान का सबसे पहले, और उसके बाद अब वो वोट डालने के लिए निकल गए हैं। न्यूज 18 पर मतदान से जुड़ी हर तस्वीर आपको हम दिखा रही हैं और देखिए उन्होंने यहाँ पर पहुंच